फिर जिसमें शिव आता है और मुकर्रर रूप से पार्ट बजाता है, वो तो कोई भी पार्ट बजावेगा शिव माना कल्याणकारी, वो पार्ट अकल्याणकारी नहीं हो सकता, हर हालत में कल्याणकारी ही होगा। जो बोलेगा सो सत्य, कल्याणकारी बोलेगा। जो कर्मेंद्रियों से कर्म करेगा वो कर्म कल्याणकारी होगा। उन कर्मेंद्रियों से किया हुआ कर्म अकल्याणकारी हो ही नहीं सकता। अगर अकल्याणकारी होता तो उसका नाम शिव नहीं होता, शिव नहीं सदा शिव, सदा ही कल्याणकारी है। आदि में पार्ट बजाता है तो भी कल्याणकारी, मध्य में पार्ट बजाता है तो भी कल्याणकारी, और अंत में अति का पार्ट बजाता है तो भी कल्याणकारी। वो बाप के रूप में है तो भी कल्याणकारी, टीचर के रूप में है तो भी कल्याणकारी, सदगुरु के रूप में है तो भी कल्याणकारी। अकल्याण होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि वो अभोक्ता है। जो भोक्ता होता है, भोगी होता है, उसको लेप सेप लगता है। जो है ही अभोक्ता, उसको लेप सेप लगने का सवाल ही नहीं, और फिर कर्म बंधन बनने का सवाल नहीं। कर्म बंधन किसका बनता है? कर्म बंधन उनका बनता है जिनको अटैचमेंट पैदा होता है। वही संहार का कार्य, वही हत्या करने का कार्य हत्यारे करते हैं, डकैती डालते हैं और घरों में जाकर के हत्याएं भी कर देते हैं, उनका पाप बन जाता है। और वही हत्या एटमिक एनर्जी को विस्फोट करने वाले, एटम बम फोड़ने वाले करते हैं, और कराता है उनमें प्रवेश करके, कोई प्रेरणा देकर कराता है। सारे संसार की हत्या करा देता है। गीता में लिखा है उसके ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ता। क्यों पाप नहीं चढ़ता? क्योंकि अभोक्ता की स्टेज पर होकर के कराता है। कोई भी कर्मेंद्रिय से कोई कर्म किया जाए और मन उसमें लिम्पायमान न हो तो कोई कर्म बंधन नहीं बनता। महबूब अपनी महबूबा को याद करता है, कारखाने में काम करता है, आंखें खुली हुई होती हैं, कोई आता है कोई जाता है, उसे दिखाई नहीं पड़ता, उसे अपनी महबूबा दिखाई पड़ती है। क्यों नहीं दिखाई पड़ता? क्यों? उसको उसका मन दूसरी जगह लगा हुआ था, इसलिए आंखें खुले हुए होते हुए भी वो अपने विषय को ग्रहण नहीं करता। तो ऐसे ही सभी इंद्रियों का यही नियम है, जो इंद्रियां अनासक्त हो जाती है उनको पाप नहीं लगता। इसलिए बाप कहते हैं मेरे को याद करने की प्रैक्टिस करो, मैं अभोक्ता हूं, जैसे को याद करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। चोर को याद करेंगे तो चोर बन जाएंगे, साहूकार को याद करेंगे
तो साहूकारी के गुण आ जाएंगे, विद्वान आचार्य को याद करेंगे तो विद्वता के गुण आ जाएंगे, भगवान बाप अभोक्ता को याद करेंगे तो अभोक्ता के लक्षण आ जाएंगे, जन्म जन्मांतर भोगी बन के आए, अब एक जन्म कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी अभोगी बनने का अनुभव करना है, कर्म भी करना है और अभोक्ता भी बनना है, तो पाप कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। योगाग्नि है, इस योगाग्नि में पूर्वजन्म के सब पाप भस्म होने वाले हैं और नए बनेंगे भी नहीं। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि ऐसी प्रैक्टिस कर ली। कैसी प्रैक्टिस? ऐसे बाप को याद करने की प्रैक्टिस पक्की कर ली है जो बाप अभोक्ता है। वो अभोक्ता भोगी में आता है। ये षष्ठी रूपी वृक्ष है, इस वृक्ष में 100% भोगी बैठा हुआ है और 100% अभोक्ता बैठा हुआ है। वृक्ष एक ही है, उस वृक्ष में बैठने वाला तनधारी एक ही है और एक ही तन में अभोक्ता भी है और भोक्ता भी है। भोगी सेवा नहीं कर सकता और अभोगी संसार की सेवा कर सकता है। भोगी को अपने वासना लगी भोग भोगने की, तो उसका लक्ष्य अलग हो जाता है और अभोक्ता उसमें प्रवेश है, उसको वासना है नहीं। इसलिए बाप दादा कहते हैं तुम बच्चे ये अहंकार मत धारण करो कि मैंने सेवा की, तुम सब तमो प्रधान बने पड़े हो। अभी शूटिंग हो रही है, रिहर्सल भी हो रही है, रिहर्सल ऊंची स्टेज से नीचे की ओर जाती है। पहले सीन की पहले शूटिंग होती है सत्ययुग, फिर दूसरे सीन की शूटिंग होती है सतो सामान्य त्रेता युग, फिर तीसरे सीन की शूटिंग होती है द्वापर युग रजो प्रधान, फिर लास्ट में तामसी शूटिंग होती है, कलयुग की शूटिंग होती है। तो जैसे जैसे शूटिंग की धारा बहती है वैसे वैसे आत्माएं सतो प्रधान सतो सामान्य रजो या तमो पार्ट बनने के लिए बजाने के लिए बांधी हुई है। लेकिन एक बात है, याद करने की प्रैक्टिस बढ़ती जाती है। ये जो याद करने की प्रैक्टिस बढ़ती है वो प्रैक्टिस ही अंत में हमको पार लगा देगी। देवताएं तो याद ही नहीं करते, क्षत्रिय भी याद नहीं करते, द्वापर युग से जब थोड़ा थोड़ा दुख पड़ता है तो थोड़ी थोड़ी याद शुरू होती है और कलयुग के अंत में बहुत दुख पड़ता है तो अति दुख होता है तो याद भी अति की करती है।